सफ़र मंजिल से ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, पर मेरी कोई मंजिल नहीं थी, सिर्फ पड़ाव थे। एक इंटर्न से प्रेस जर्नलिस्ट से टीवी रिपोर्टर, और अगला पड़ाव न्यूज़ एंकर। हेलो रजनी, यार अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी तुमने मुझे, 15 मिनट में लाइव जाने वाला हूँ। सर अगर वो रिपोर्ट ऑन एयर हो गई तो मेरी अगली रिपोर्ट बेकार हो जाएगी। बेकार हो जाएगी मतलब? सर एक नई अपडेट है, मेरे हाथ उस डकैत की कुंडली लगी है। व्हाट? डकैत की कुंडली? ये तो किसी दानव की कुंडली प्रतीत होती है। है किसकी ये कुंडली? वही तो आपसे जानने आई हूँ पंडित जी, जिसकी ये कुंडली है उसका नाम कौन से अक्षर से शुरू होता है? मिथुन राशि, उसका नाम क से शुरू होगा, लेकिन वो कभी भी अपने असली नाम से नहीं पहचाना जाएगा। ऐसा क्यों पंडित जी? क्योंकि वो केतु की परछाई है। केतु समझती हो ना, बिना मुंह वाली छाया। और जिसकी ये कुंडली है उसका मुंह उसकी माँ भी नहीं देख पाई होगी, जन्म देते ही मर गई होगी। और जो उसका मुंह एक बार देख ले, सोचो उसने मौत देख ली, मौत की परछाई है वो। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। गुमनामी की जिंदगी किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन किसी की गुमनामी ही उसकी शोहरत बन जाए तो वो हस्ती क्या होगी, ये जान के आप तंग रह जाएंगे। ये केस ऐसे किरदारों की एक सच्ची कहानी है जो हम जैसे आम लोग थे, औरों की तरह उनमें कमियां भी थी और खूबियां भी। लेकिन खूबियां अगर तराशी ना जाए, कमियां सही से सुधारी ना जाए, तो इंसान की प्रगति रुक जाती है। उसका व्यक्तित्व एक रुके हुए पानी के जैसा हो जाता है, जो सड़ने लगे तो गुनाहों के ऐसे अंकुर फूटते हैं जिसमें सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं बल्कि पूरे के पूरे समाज का विध्वंस हो जाता है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। कल सुबह निकली थी तुम और आज सुबह लौट रही है। मेरे पापा, आप तो मेरा काम जानते हो ना कि कैसा है। हाँ, सब जानता हूँ। दिन भर इधर उधर धक्के खा के खतरे मोल लेती रहती है। पापा। हाँ योगेश। रजनी, ब्रेकिंग न्यूज है, एसपी माहेश्वरी का मर्डर हो गया। क्या? हाँ, उनकी लाश उन्हीं की गाड़ी में उनके घर के सामने मिली है। लेकिन उन्हें तो बुधिया को पकड़ने का मिशन सौंपा गया था ना। हाँ, तो क्या बुधिया ने उन्हें भी? डकैत बुधिया, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसका आतंक आए दिन देखने को मिल रहा है। पिछले 10 साल में 100 से ज्यादा कत्ल करने वाले बुधिया ने इस बार अपना टारगेट आईएएस रैंक के पुलिस ऑफिसर को बनाया। तो अब सवाल ये उठ रहा है, क्या बुधिया को पकड़ने वाला पुलिस फोर्स में कोई है? ये हमारे मिशन का नाम होगा, मिशन परछाई। अब तक बुधिया नाम की परछाई को पकड़ने के लिए 6 मिशन फेल हो चुके हैं, और अफसोस की बात 6 मिशन तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। जैसे ही एसपी प्रदीप महेश्वरी ने इस एरिया को ज्वाइन किया, कत्ल कर दिया गया उनका। या सर, महेश्वरी सर की गाड़ी का ड्राइवर दर्शन भी गायब है सर। मर्डर से एक दिन पहले महेश्वरी सर अपनी टीम को ब्रीफ देने के लिए सुबह 7 बजे अपने घर से निकले थे, पर वो मीटिंग में पहुंच ही नहीं पाए। एम्बैरेसिंग तो ये है सर कि अपने डिपार्टमेंट में ये रूमर उड़ रहा था कि बुधिया के डर से महेश्वरी सर कहीं गायब हो गए। व्हाट रबिश। महेश्वरी बैचमेट था मेरा, अच्छे से जानता हूँ महेश्वरी। एनीवे, हमें महेश्वरी के ड्राइवर दर्शन के गायब होने की कहानी भी पता करनी हो सकता है सर ये बुधिया का इन्फॉर्मर हो। एज वी ऑल नो, बुधिया के डर से अपने डिपार्टमेंट के कई लोग इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं। इसलिए मैंने DIG सर से बात करके इस मिशन के लिए कुछ सेलेक्टेड ऑफिसर रखे हैं। क्या अपडेट है बाकी सर? सर वो जतिन और रमेश ने अचानक सिक लीव ले ली। जानता हूँ। अब तक 6 मिशन में 16 पुलिस वाले मारे जा चुके हैं। आई नो, हम अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए कंसर्न्ड होते हैं। एनीवे, इस मिशन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ वो पुलिस वाले चाहिए जो अपने परिवार को भूल कर इस मिशन में शामिल हो। कब तक आ रहे हैं सर? 1 घंटे में रिपोर्टिंग कर देंगे सर। तब तक उस कांस्टेबल को बुलाओ जो महेश्वरी के घर पर सिक्योरिटी पर तैनात था।
सर। साहब ये ड्यूटी कर रहे थे तुम? साहब 39 घंटे से नॉन स्टॉप ड्यूटी कर रहे थे साहब। हम आंख बंद नहीं करते तो वहीं पर ऑफ हो जाते साहब। हम मजाक समझे? एक सीनियर ऑफिसर का कातिल इतनी आसानी से भाग गया? और तुम साहब आप चाहो तो हमें सस्पेंड करवा दीजिए, लेकिन हम तो खैर मना रहे हैं कि वो हमें सोता देखकर बुधिया का आदमी हमें गोली नहीं मारा। डकैत बुधिया का खौफ चाहे जितना भी हो, लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि बुधिया का असली नाम बुधिया है ही नहीं। जी हाँ, बुधिया का असली नाम के अक्षर से शुरू होता है। मैं उसके माँ बाप, परिवार और उसके गांव की एक एक डिटेल्स आपसे जल्द ही साझा करूंगी। जिस बुधिया की फोटो तक पुलिस के पास नहीं है, उसकी फोटो जल्द ही आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। मालिक, आज तक आपको देख ही कौन पाया? और ये लड़की आपकी फोटो निकाल ली? इस लड़की ने तो मेरा भी दिमाग खोल कर रख दिया है। आप आज्ञा दे तो उस लड़की की गर्दन कटवा दूं? बस, मैंने उसकी आंखें फुड़वा दी जिसने एक बार भी मुझे देख लिया। किसी की आंख निकाल कर मार देता है, किसी की जबान काट देता है। कई सरकटी लाशें मिली हैं जिनके मर्डर में बुधिया का हाथ माना जाता है। बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, आम आदमी। ऑन द रिकॉर्ड अब तक 151 से ज्यादा मर्डर केसेस, 72 डकैती, 67 किडनैपिंग। और कोई नहीं जानता कि वो दिखता कैसा है। पहले ऐसे कई लोगों को अरेस्ट किया गया सर, जिनको बुधिया गैंग का माना गया, लेकिन उनसे भी कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। अब हमें नए सिरे से बुधिया और उसके गैंग की एक एक इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। अब तक जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से वो लोग जंगलों में रहते हैं और उन जंगलों के ट्राइब्स के लोग उसकी शील्ड बनते हैं। हमें अपने खबरियों को कुछ इस तरह से इस्तेमाल करना होगा कि वो उन लोगों के साथ मिलजुल कर बुधिया और उसके गैंग की एक एक इन्फॉर्मेशन निकालें। हमें कैसे भी करके बुधिया और उसके गैंग का आतंक खत्म करना है। मालिक का फोन है, बात करेंगे। जी जी मालिक। वो रिपोर्टर क्या बोल रही है? टीवी स्क्रीन पर मेरा फोटो होगा? नहीं नहीं मालिक, ये न्यूज वाले तो मसाला भेजते हैं। आपको आज तक कोई देख पाया भला? पर मैं उस रिपोर्टर को देखना चाहता हूँ, बड़ी खूबसूरत है वो। रजनी, तू आजकल बहुत बुधिया बुधिया कर रही है, देख संभाल के, कहीं ऐसा ना हो तेरे न्यूज एंकर बनने से पहले वो तुझे मरवा दे। तू मेरी फिक्र छोड़ दे, और रही बात न्यूज एंकर बनने की, तो तू सोच ले मैं न्यूज एंकर बन गई। बन गई मतलब? मतलब ये मेरे ऊपर एक बहुत बड़े आदमी का हाथ है, और उसी की वजह से मेरे पास दूसरे चैनल से ऑफर आया। मतलब अपनी प्रोफेशनल जोड़ी अब टूटने वाली है। चल वो छोड़, ये बता कि अपनी शादी के बारे में क्या ख्याल है? अरे शादी करने की फुर्सत किसे है यार। अच्छा चल, मुझे निकलना है, मैं जाती हूँ। रजनी अपनी ड्रिंक तो खत्म कर यार। मेरी पार्टी कहीं और है। ये देखिए जन्म कुंडली। जन्म कुंडली के आधार पर इंसान के जन्म स्थान का भी पता लगाया जा सकता है, और मेरा अगला मिशन उसी स्थान पर जाना है जहां मैं बुधिया का असली नाम और उसका पता मालूम करूंगी। वेरी गुड, थैंक यू। सर एक मिनट। मेकअप? हाँ अंकल। योगेश, रजनी कल से घर नहीं आई है, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, कहाँ है वो? अंकल मैं भी उसे काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि वो अब तक ऑफिस क्यों नहीं आई। क्या इस एरिया में है एसपी महेश्वरी का घर? जाहिर सी बात है उन्होंने एसपी ऑफिस के लिए रूट लिया होगा, और एसपी ऑफिस है इस एरिया में, तो उनके घर से लेकर एसपी ऑफिस के बीच ये 7 क्रॉसिंग है। मतलब एसपी महेश्वरी के साथ जो कुछ भी हुआ
तो वो इन्हीं रास्तों पर होगा। इन रास्तों को अच्छे से स्कैन करो, शायद कोई सीसीटीवी फुटेज या किसी पासर बाई से कोई क्लू मिल जाए। राइट सर। और सर, उनकी टीम के ऑफिसर ने बताया था कि उनके ज्वाइन करने के बाद उन्हें एक फेक आईडी के नंबर से थ्रेट कॉल भी आया था, और ये कॉल फालना सिटी से किया गया था। सिटी, हमें बुधिया के इसी सिटी नेटवर्क का तो पता लगाना है। ये बात पहले भी कही गई है कि बुधिया अब जंगलों में नहीं बल्कि सिटी में रहता है, और हमें कांस्टेबल दर्शन को भी नहीं भूलना चाहिए, अभी तक गायब। उसके बैकग्राउंड भी खंगालो। ओके सर। यस कम इन सर। निमाण विहार थाने में एक लोकल जर्नलिस्ट रजनी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई सर। कल उसने बुधिया को लेकर एक न्यूज कवर की थी। उस न्यूज में उसने बताया था कि वो बुधिया के बारे में बहुत कुछ जानती है। सर ये वो न्यूज है। डकैत बुधिया का खौफ चाहे जितना भी हो, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि बुधिया का असली नाम बुधिया नहीं है। जी हाँ, बुधिया का असली नाम के अक्षर से शुरू होता है। मैं उसके माँ बाप, गांव और उसके परिवार की एक एक डिटेल आपसे साझा करूंगी। जिस बुधिया की फोटो तक पुलिस के पास नहीं है, जल्द ही आप उसकी फोटो अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। इस लड़की की रिपोर्टिंग में कोई ऑथेंटिसिटी है? जो बात पुलिस 10 साल में पता नहीं कर पाई, कोई लड़की कह रही है कि इसके पास बुधिया की फोटोग्राफ है, और बुधिया का असली नाम के अक्षर से शुरू होता है। ए करण, रुक। क्या यार करण, तेरे तो भाव बहुत ही बढ़ गए। खैर अच्छा है, जो भी कीमत मांगेगा दूंगा, बस मेरा एग्जाम तू दे दे। और हाँ, वो एग्जाम के लिए जो फेक आईडी लगेगी ना, वो मैं बनवा दूंगा। मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। अगर एग्जाम क्लियर करना है तो पढ़ाई कर। ओ पढ़ाकू साले, जानता है तू किसको मना कर रहा है? एक रईस बाप की नालायक औलाद को। लेकिन तू मुझे खरीद नहीं सकता है। अपना साले, तुझे मैं खरीदूंगा नहीं, मैं तुझे उठा के बेचूंगा। वो एलएनसी का एग्जाम क्लियर करके तेरे को जॉब चाहिए ना? बंधुआ मजदूर बनेगा तू, याद रखना मेरी बात। सर मुझे नहीं मालूम रजनी डकैत बुधिया को लेकर क्या जानती थी क्या नहीं। आपने बताया कि रजनी रिपोर्टिंग के सिलसिले में कहीं बाहर गई थी, उसके न्यूज चैनल वालों ने कुछ बताया कि वो कहाँ गई थी? सर उनसे कोई साफ जवाब नहीं मिला। मुझे लग रहा है सर उनका कोई इशू चल रहा था रजनी से। कैसा इशू? वो मुझे नहीं मालूम सर, पर रजनी बता रही थी कि वो उनका न्यूज चैनल छोड़कर कोई नया न्यूज चैनल ज्वाइन करने वाली थी। रजनी ने कभी आपसे कोई जिक्र किया था कि वो कौन सा न्यूज चैनल ज्वाइन करने वाली है? सर उसने मुझे ये भी नहीं बताया सर। सर प्लीज उसका पता कीजिए, मुझे बहुत फिक्र हो रही है सर। कौन से मिस्त्री खाकर इतना चटर पटर करती हो? कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बुधिया, नाम तो बहुत सुना होगा ना तूने। और क्या बोल रही थी तू? हैं? तेरे पास मेरा असली नाम है, तेरे पास मेरे असली फोटोग्राफ है, सारा 10 सालों से मुझे सूरज नहीं देख सका और तेरे कैमरे ने देख लिया मुझे। अरे अच्छे से चेटा उसको। सर हमारा कोई इशू नहीं चल रहा था रजनी के साथ में, उसने तो यहाँ से रिजाइन भी नहीं किया, फिर वो कोई दूसरा न्यूज चैनल कैसे ज्वाइन करती? और आपके चैनल पे जो बुधिया को लेकर इतनी न्यूज चल रही है वो? तो सर रजनी ने जो कुछ कहा था उसके प्रूफ्स थे उसके पास में। वो काफी टाइम से लगी हुई थी बुधिया के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने में, और सारे प्रूफ्स मुझे देने भी वाली थी, फिर अचानक से उसके गायब हो जाने का पता चला। आप मानते हैं कि रजनी की बातों में सच्चाई है? हाँ सर, उसका तो ये भी कहना था कि बुधिया का असली नाम बुधिया नहीं है, कुछ और है, और वो किसी शहर में रहता है अपनी फैमिली के साथ में, जिसका शायद उसने पता लगा लिया था। पापा, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है बेटा। ये आपकी दवाइयाँ हैं, समय से ले लीजिएगा। हाँ, खाना मैंने बना के रख दिया है, वो भी खा लीजिएगा। अच्छा पिताजी, मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। अरे हमारी वजह से तुझे कितनी परेशानी हो रही है, तेरे इम्तिहान है और तुझे हमारी जगह नौकरी पे जाना पड़ रहा है। अरे पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैं ड्यूटी देते समय टाइम निकाल कर पढ़ लेता हूँ, बस एक बार ये एग्जाम क्लियर हो जाए उसके बाद ना तो मैं गार्ड रहूंगा और ना ही आपको इस नौकरी पर दोबारा जाने दूंगा।
यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर रजनी वाकई में बुधिया के बारे में इतना सब कुछ जानती तो हमारे लिए पता करना बेहद जरूरी है कि रजनी को क्यों और कैसे गायब किया गया। सर, हम रजनी के CDR क्लोजली एग्जामिन कर रहे हैं। उसका फोन 2 दिन पहले SG रोड पर बंद हुआ था। हमारी एक टीम वहाँ भी इंक्वायरी कर रही है। और दूसरी बात यह सर कि रजनी कैमरामैन योगेश के साथ काफ़ी टच में थी, ऐसा सुनने में आया कि इन दोनों का अफेयर भी चल रहा था। हो सकता है योगेश रजनी और बुधिया के बारे में काफ़ी कुछ जानता हो। ला उसको। सर महेश्वरी सर के ड्राइवर कांस्टेबल दर्शन के बारे में एक बात पता चली। सर 6 महीने पहले ग्रम्पू नाम के एक हिस्ट्री शूटर को अरेस्ट किया गया था। सर जब उसे हेयरिंग के लिए ले जाया जा रहा था तब वो पुलिस कस्टडी से भाग गया था। सर उस वक्त कांस्टेबल दर्शन वहाँ मौजूद था। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ग्रम्पू को भगाने में कांस्टेबल दर्शन ने मदद की होगी? सर हो सकता है, क्योंकि सर हम भी यही मान रहे हैं कि कांस्टेबल दर्शन बुधिया का इन्फॉर्मर होगा। तो सर ये भी हो सकता है कि ग्रम्पू भी बुधिया के लिए काम करता हो। इस ग्रम्पू की एक एक डिटेल्स बताओ। सर मुझे कोई आइडिया नहीं कि रजनी का सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या था। मैं तो खुद हैरान था कि वो बुधिया के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती थी। रजनी के फादर ने हमसे बताया कि रजनी कोई बड़ा न्यूज़ चैनल ज्वाइन करने वाली थी। उसने कुछ बताया था कि वो कौन सा न्यूज़ चैनल ज्वाइन करने वाली थी? सर इस बात से मैं भी बहुत हैरान था, क्योंकि वो कह रही थी कि उसके सर पर किसी बड़े आदमी का हाथ है जो उसको एक नेशनल न्यूज़ चैनल में एंकर की जॉब दिलवा रहा था। न्यूज़ एंकर? किस बड़े आदमी का हाथ था उसके सर? सर मुझे लगता है ये वो पॉलिटिशियन नरेंद्र सिंह था। एक्चुअली उसका रजनी से अफेयर था सर। हमें पता चला है कि रजनी का अफेयर तुम्हारे साथ चल रहा था, और तुम बोल रहे हो कि रजनी का अफेयर पॉलिटिशियन नरेंद्र सिंह के साथ चल रहा था। सर मैं रजनी को बहुत पसंद करता था, लेकिन वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थी। सर इसी एरिया में रजनी का फोन बंद हुआ था। सर हमें यहाँ पे रजनी की स्कूटी गिरी हुई मिली है। स्कूटी का इस हाल में यहाँ पे मिला, इसका क्या मतलब हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रजनी को किडनैप किया गया, स्कूटी में कुछ मिला गया? जी सर स्कूटी की डिग्गी में ये टॉय मिला है। रजनी की स्कूटी में हमें ये टॉय मिला है, इस पे लिखा है माई बेबी। रजनी जिस बच्चे को ये टॉय देना चाहती थी, क्या आप उसे जानते हैं? सर ये तो उसकी माँ ने उसको गिफ्ट दिया था जब वो बच्ची थी। सर अपनी माँ के गुजरने के बाद वो उसे हमेशा मिस करती थी। उसकी दी हुई चीज़ उसने आज तक संभाल कर रखी सर। पर अब सर क्या हुआ उसके साथ? सर अभी ठीक से कुछ कह नहीं सकते, पर हमें ऐसा लगता है कि शायद रजनी को किडनैप किया गया है। क्या? कहाँ है साहब? कहाँ है? ये इधर है, ये मेरी तरफ आ रहा है, प्लीज मुझे बचाओ। साहब इधर है साहब। कहाँ है? मुझे काट लेगा, प्लीज मुझे बचाओ। मेरे पास आ रहा है, प्लीज। किधर? मेरे हाथ खोलो। किधर है? वो मुझे काट लेगा, मेरे हाथ खोलो। साहब वो मुझे काट लेगा, प्लीज मेरे हाथ खोलो। वो आ रहा है, प्लीज मेरे हाथ खोलो। कहाँ है साहब? लड़की ये वीडियो क्लिप इलेक्शन के टाइम का है सर। रजनी ने इलेक्शन में लीडर नरेंद्र सिंह के खिलाफ काफी अच्छी खासी रिपोर्टिंग की थी, और योगेश बोल रहा है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा था। नरेंद्र सिंह के गुंडे मासूम जनता को डरा धमका के उनके चुनाव चिन्ह दराती पर मुहर लगाने की धमकी दे रहे हैं। उनके नारे सुन के आप चौंक जाएंगे। वो कह रहे हैं मुहर लगाओ दराती पे वरना गोली चलेगी छाती पे। ये नरेंद्र सिंह है तो काफी दबंग सर। हो सकता है रजनी को इसी ने अगवा करवा दिया, सोचा होगा कि सबको लगेगा बुधिया ने रजनी को अगवा किया है। बुधिया और उसका कि अक्षय से शुरू होने वाले असली नाम का कोई कनेक्शन जुड़ा गया? नहीं सर, मैंने बुधिया से जुड़े हर केस की फाइल खंगाली है, लेकिन बुधिया या उससे जुड़े किसी भी ऐसे आदमी का नाम पता नहीं चला है जो केस से शुरू होता है। ए, कौन है? ऐसे कैसे बैठ गए? उतरो। एक, क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो? अरे न्यूज वाले कुछ भी बोलते रहते हैं, इनके बोलने से जनता फैसले थोड़ी ना करती है। रजनी ने चाहे कितनी भी नेगेटिव रिपोर्टिंग की हमारे खिलाफ, लेकिन चुनाव तो हम जीत ही गए ना। चुनाव के दरमियान रजनी इतना कुछ बोल रही थी आपके खिलाफ, फिर चुनाव जीतने के बाद वो आपसे मिलती क्यों रही? काफी फोन कॉल्स भी हुए हम दोनों के बीच। देखिए ये मीडिया वाले चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं,
हम जैसे राजनेताओं से काफी मतलब निकालने होते हैं उन्हें अपने। तो रजनी कौन सा मतलब निकाल रही थी आपसे अपना? अरे साहब वो सब छोड़िए आप, लेकिन देखिए उस लड़की को ढूंढने में कोई भी कोताही मत बरतिएगा, आखिर वो हमारे इलाके की एक होनहार पत्रकार थी। सर रजनी की स्कूटी यहाँ से थोड़ी दूरी पर मिली थी, हम इंक्वायरी कर रहे थे तो पता चला कि रजनी ने इस होटल में एक रूम बुक करवाया था। 6 तारीख को उसने चेक इन किया और 7 तारीख की सुबह उसने चेकआउट कर दिया और 8 तारीख की सुबह रजनी के फादर ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। रजनी है अकेले आई थी या? चेक इन तो उसने अकेले किया था सर, बाकी हम CCTV फुटेज चेक कर रहे हैं। ये देखिए सर, रजनी ने चेक इन किया शाम को 7 बजे और उसके आधे घंटे के बाद यह आदमी रजनी के रूम में जाता हुआ दिख रहा है। जब ये रजनी के रूम में गया तो इसके पास कुछ नहीं था और जब ये रूम से बाहर निकला तो ये लैपटॉप का वही बैग लेके निकला जो रजनी अपने साथ लेकर गया। इस आदमी के जाने के तकरीबन 12 घंटे के बाद यानी कि अगली सुबह रजनी अपने रूम से बाहर निकली। अरविंद होटल का जो एंट्री गेट है उस पर जो CCTV है वो फुटेज दिखाओ। ये तो योगेश है, योगेश रजनी को फॉलो करता हुआ या होटल तक आया और चला गया। सर योगेश के जाने के बाद ये आदमी यहाँ पे आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि योगेश ने इस आदमी को यहाँ पे भेजा? अगर ऐसा है तो हेलो क्या रे SP, प्रदीप महेश्वरी की मौत का खौफ भी नहीं है तेरे अंदर? कौन बोल रहा है? मौत की आवाज बुधिया, प्रदीप महेश्वरी को भी मैंने कहकर मारा था। अभिमन्यु जिंदल नाम है मेरा, पता कर लेना मेरे बारे में, मैं तेरी खाली पीली धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। फिर तो तुझे मारने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो क्या रजनी को भी तूने? क्या हुआ सर, कौन था? अपने आप को बुधिया बोल रहा था। क्या? मैं नंबर ट्रेस कर रहा था सर। कोई फायदा नहीं है किशोर, अपनी टीम के लोगों को बोलो कि अलर्ट रहे, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यस सर। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता जो उस दिन होटल में गया था। तू रजनी का पीछा करते हुए होटल तक गया फिर वहाँ से लौटा है, चल क्या रहा था तेरे दिमाग में? सर वो मुझे हमारे बॉस हैं राजीव सर, उन्होंने कहा था कि मैं रजनी की एक्टिविटीज़ मालूम करूँ बस सर। एंकर राजीव था? जी सर। वो तुझसे जासूसी करवा रहा था रजनी की? सर वो रजनी बुधिया के बारे में बहुत कुछ पता कर रही थी लेकिन अपना सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वो सर के साथ शेयर नहीं कर रही थी, तो सर मुझे उन्होंने बोला था राजीव सर ने कि उस पर नज़र रखूँ, मैं सर इसके अलावा कुछ नहीं जानता। पता करो इस योगेश और राजीव धवन के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी और उस कैब वाले आदमी के बारे में भी जल्दी बता दो। सर राजेश बोलो। सर सार्थकपुरा इलाके में एक लड़की की सरकटी लाश मिली। सर इस बॉडी पर बिल्कुल वैसे ही कपड़े जैसे रजनी ने उस CCTV फुटेज में पहने थे। उस लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजो, हो सकता है वो रजनी की लाश हो। ओके सर। डकैत बुधिया की तलाश से शुरू हुआ ये केस मीडिया कर्मी रजनी द्वारा जुटाई गई कई रहस्यमय कहानियों में उलझ गया था, लेकिन रजनी की जिंदगी के कई पहलू और भी थे जो डकैत बुधिया और उसके गुनाहों से अलग थे। पुलिस हर एंगल में इन्वेस्टिगेट कर रही थी लेकिन वो सर कटी लाश रजनी की ही होगी ये DNA रिपोर्ट के बाद ही कन्फर्म होना था, पर पुलिस रजनी को बुधिया के सैकड़ों विक्टिम में से एक मान के बुधिया की तलाश में जुटी थी। लेकिन बुधिया कैसा दिखता था, उसका असली नाम क्या था, उसके गिरोह में कौन कौन था, इसको लेकर पुलिस विभाग में कई भ्रांतियां थीं जो उन्हें बार बार दिशाहीन कर रही थी। यस कम इन। खबर से एक टिप मिली है सर, संगम छत्ती में हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप की सप्लाई हुई। तो क्या वो सप्लाई ग्रिफू ने की? कह नहीं सकते सर, संगम छत्ती में पहले भी बुधिया के आने की खबर मिलती रही है लेकिन वहाँ पे उसके किसी ठिकाने का पता नहीं चला है। बुधिया को लेकर पिछली इन्वेस्टिगेटिव टीम की ऑब्जर्वेशन ये है कि बुधिया ऊपर वाले में बहुत विश्वास करता है, वो हथियार खरीदने के बाद अमावस के दिन उन हथियारों की पूजा जरूर करता है। अमावस के दिन? अमावस तो आज ही है सर, हथियारों की सप्लाई और संगम छत्ती में मंदिर भी। वहाँ मंदिर भी है,
हो सकता है बुधिया और उसके गैंग के लोग उसी मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर में जाके एक चांस लेते हैं। हो सकता है बुधिया और उसके गैंग के लोग हथियारों की पूजा करने वहीं पहुंचे। जी सर। एक टीम तैयार करो जल्दी। ओके सर। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा। कोई चलाकी नहीं करेगा। सर क्या हो रहा है? तलाशी लो सबके। सब क्या कर रहे हो? सब ये क्या कर रहे हो? सब आखिर बात क्या है? ज्यादा ड्रामा मत कर। तुम सबके साथ भुदिया गैंग के आदमी हो ना? भुदिया गैंग? ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? सर ये पवित्र स्थान है, यहाँ डाकू लुटेरे नहीं आते। तो फिर ये लोग कौन है? सर पूजा किस नाम से करवा रहे थे आप? सर जजमान का नाम कामराज है और ये इंदौर से पधारे हैं। कामराज, जैसा कि इन्होंने बताया इसका नाम कामराज है। अगर रजनी की इंफॉर्मेशन को सही माने तो बुधिया का असली नाम भी के अक्षर से शुरू होता है। सर यहाँ पे इनके पास हथियार नहीं मिला है, इनकी गाड़ी वाड़ी भी चेक की है लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। एक काम करो, ये सबके नाम एड्रेस और फोन नंबर ले लो और जाने दो सबको, और इन सबको यहीं से फॉलो करो। इन सबकी एक एक डिटेल चाहिए मुझे। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है सर, उस सरकारी लाश का डीएनए रजनी के फादर के डीएनए से मैच हो गया। हेलो अंकल, मैं योगेश। मैं जानता हूँ आप किस सदमे से गुजर रहे हैं अंकल। एक्चुअली वो राजीव सर रजनी के ऊपर एक स्पेशल शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आपका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करना चाहते हैं। बस आपकी टीआरपी के लिए तुम मेरा और मेरी बेटी के जज्बातों का मजाक उड़ाओगे? नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। मैं नफरत है मुझे तुम मीडिया वालों से। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी को खो दिया। किशोर सर, बुधिया पिछले 10 साल से क्राइम कर रहा है। पिछले 1 साल से बुधिया के नाम पर कुछ ऐसे केसेस दर्ज हैं जहां पर सरकटी लाशें फेंकी गई, जबकि 1 साल पहले तक उसके नाम पर ऐसा कोई केस दर्ज नहीं। अब सवाल यह उठता है कि यह सब 1 साल में ही क्यों? और एक बात, एसपी महेश्वरी की लाश का गला नहीं काटा गया जबकि रजनी की लाश गला काट के फेंकी गई, यह सब कुछ अजीब नहीं है? यस कमिंग सर। मैंने कामराज के बारे में पता किया, वो इंदौर में एक रेवेन्यू ऑफिसर है। सर ऐसा लग नहीं रहा कि उसका बुधिया या उसके गैंग से कोई कनेक्शन होगा। कैब वाले आदमी का कुछ पता चला? सर फिलहाल तो नहीं, लेकिन सर रजनी के कॉल रिकॉर्ड्स में अजंता न्यूज़ चैनल का नंबर मिला है, और सर उसके फादर ने भी तो बताया था कि वो कोई नया न्यूज़ चैनल ज्वाइन करने वाली है। अजंता न्यूज़ चैनल वालों से पता करो कि क्या रजनी वाकई में वहाँ पर ज्वाइन करने वाली थी, और उस कैब वाले आदमी का पता करो जो रजनी के होटल रूम में गया था और वहाँ से उसका लैपटॉप बैग लेके गायब हो गया। ओके सर। जी मुझे स्टेट एजेंडर जितेंद्र ने भेजा है, वो आपका ऊपर वाला फ्लोर का कमरा लेने की बात हुई थी किराए। अरे हाँ हाँ, आओ मैं तुम्हें घर दिखा देता हूँ। जी 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 आओ। जी ये कमरा है। जी मैंने पर्सनली चेक किया सर, पिछले 6 महीने में 7 सरकटी लाशों के केसेस मिले और इनमें से 3 केसेस में रजनी लगातार रिपोर्टिंग कर रही थी। ये उसके वीडियोस हैं सर, ये देखिए। बुधिया ने अब तक कई नामी लोगों के कत्ल किए हैं, लेकिन अब उसके हाथ गरीब और बेसहारा लोगों तक भी पहुंच रहे हैं। हाल ही में 3 सरकटी लाशें मिली हैं, जो सब आम लोग थे। समता नगर की शीला देवी जो एक हाउसवाइफ थी, जमशेदपुर के प्राइमरी टीचर पीयूष वर्मा, और अभी रिसेंटली
करण नाम के सिक्योरिटी गार्ड की भी सरकटी लाश मिली है। नहीं, 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 नहीं। क्या ये पॉसिबल है कि करण को भी बुधिया और उसके गैंग ने? रजनी की रिपोर्टिंग से तो ऐसे लग रहा है सर। हमें इन तीनों विक्टिम की फैमिली से मिलना चाहिए, क्योंकि ये बात भी कोई कम चौंकाने वाली नहीं है कि रजनी को भी उसी एमओ से गला काट के मारा गया है जिस तरह से इन तीनों विक्टिम्स को। 13,267 में जोड़े 7,500 तो हुए 20,767 पापा। अरे हाँ हाँ, इतना जोड़ भाग आता है हमें पापा। जोड़ भाग नहीं, सिर्फ जोड़। जोड़ का मतलब प्लस और भाग का मतलब डिवाइड। पापा मैंने आपको सिखाया था ना, आप सब भूल जाते हो। अंकल अंकल, वो एक्चुअली नल में पानी नहीं आ रहा ऊपर। वो वॉल बंद होगा पापा, मैं खोल देती हूँ। संजीव, 2 महीने पहले आपके बेटे की लाश मिली थी। आपने एक रजनी नाम की लड़की को इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद उसने कहा कि आपने बुधिया के खौफ में आकर उससे डर कर ये नहीं कहा कि आपके बेटे को बुधिया ने मारा है। नहीं सर, हमने ना ऐसा कहा, ना मैं मेरे बेटा बुधिया को जानते थे। वो लड़की तो बस वही बोली जा रही थी जो उसे बोलना था। साहब, हमने उससे बोला भी था कि हमारा बुधिया से कोई वास्ता नहीं, लेकिन उसने ये सब न्यूज में से कटवा दिया था। किस पर शक है आपको सोहन जी? किसने मारा होगा आपके बेटे करण को? साहब, मेरी बीमारी के चलते मेरा बेटा करण सोसाइटी के गेट पे गार्ड की नौकरी कर रहा था और उसका सोसाइटी में झगड़ा भी हुआ था। सर, गाड़ी पार्किंग में लगा दे। सॉरी सर, ये काम मेरा नहीं है, सोसाइटी ने मुझे सिक्योरिटी के लिए रखा है। ए, अगर मैं चाहूँ तो तुझसे अपने जूते साफ करवा सकता हूँ। माफ कीजिए सर, अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। क्या बोला? मुझे तो लगता है मेरे बेटे को रमेश ने मारा है साहब। सर, मैंने रमेश का पता करवाया, वो पिछले 3 दिन से गायब है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। पता करो उसका। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि करण के फादर का भी वही कहना है जो बाकी के दोनों विक्टिम्स की फैमिली का कहना है। लेकिन रजनी की रिपोर्टिंग साफ साफ बुधिया के खिलाफ थी। सर, कहीं रजनी इन मर्डर के केसेस का डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश तो नहीं कर रही थी? उसकी कई महीनों की रिपोर्टिंग बुधिया सेंट्रिक की थी और मीडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी बुधिया की हवा फैलाने। मतलब सर, आप कहना चाहते हैं कि तीनों केसेस अलग अलग हैं? अगर ये तीनों केसेस अलग अलग हैं भी, तो सवाल ये उठता है कि रजनी को उसी एमओ से क्यों मारा जैसे बाकी के तीनों विक्टिम्स को मारा। सर, मैंने पता किया, अजंता न्यूज चैनल से रजनी को कोई जॉब ऑफर नहीं हुआ था। लेकिन सर, रजनी ने अपनी करियर की शुरुआत उसी न्यूज चैनल से की थी। सर, वो वहाँ पे एक इंटर्न थी और एक अमन नाम के रिसर्चर के अंडर में काम करती थी। सर, ये अमन। सर, मैं इस अमन से भी मिला, अभी उस न्यूज चैनल में एडिटर है। सर, इसकी कदकाठी बिल्कुल वैसी है जैसा आदमी हमें कैब पहने उस होटल के CCTV में दिखाई दिया था। अरे सर, मैंने क्या किया सर? नहीं रो, चल ये टी शर्ट और ये कैब पहन, कैटवॉक करवानी है तेरी। मैं कुछ समझा नहीं सर। सब समझ में आ रहा है तेरे, तेरा फोन होटल के उस एरिया में एक्टिव था ना जब रजनी से मिला था, तो इसी तरह की कैप और टी शर्ट पहनी थी ना तूने। सीधे सीधे बोल दे, रजनी के मर्डर से तेरा क्या लेना देना है? सर, रजनी का मर्डर मैंने नहीं किया, बल्कि रजनी तो खुद मुझे। क्या रुक क्यों गया बीच में, बोल ना आगे। सर, बताता हूँ सर। सर, रजनी मुझे ब्लैकमेल कर रही थी सर। क्यों ब्लैकमेल कर रहे थे? सर, 3 साल पहले वो एज ए इंटर्न आई थी और परमानेंट होने के लिए वो मुझे फेवर देने लगी। हम दोनों में फिजिकल रिलेशनशिप भी बना। फिर अचानक उसने कोई दूसरी प्रेस ज्वाइन कर ली और फिर वहाँ से छोड़ करके भी उसने एक नया न्यूज़ चैनल ज्वाइन किया जहाँ वो रिपोर्टर बन गई। और सर, मैं भी अपने न्यूज़ चैनल में अच्छी पोस्ट पर था सर। फिर अचानक सर वो मुझे फोन करने लगी और अमन सर, सुना है आपके न्यूज़ चैनल में नए न्यूज़ एंकर की तलाश चल रही है। मुझे भी न्यूज़ रिपोर्टिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, आप चाहे तो ये जॉब। ठीक है रजनी, मैं देखता हूँ। देखना नहीं है सर, करना है। सर, फिर वो बोलने लगी, जिस दौरान हम दोनों के रिलेशनशिप बने थे उसने कुछ वीडियोज़ बना लिए थे और वो न्यूज़ एंकर की जॉब लेने के लिए वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। मैं किसी तरह उसे टालता रहा,
लेकिन सर फिर अचानक उसने कहा कि उसके पास में बुधिया से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है। ये देखिए जन्म कुंडली, जन्म कुंडली के आधार पर इंसान के जन्म स्थान का भी पता लगाया जा सकता है। और मेरा अगला मिशन उसी स्थान पर जाना है जहाँ मैं बुधिया का असली नाम और उसका पता मालूम करूँगी। अरे वाह रजनी, तुमने तो कमाल कर दिया, वेरी गुड। थैंक यू। उसके मोबाइल लैपटॉप में वीडियोस तो क्या एक फोटो तक नहीं था सर, वो लड़की मुझे घुमा रही थी। सर मैं सच बोलता हूँ सर, उसके मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं सर। सर अगर ये अमन सच बोल रहा है और जो भी हमें रजनी के बारे में पता चला है उसे तो ये पता चलता है कि रजनी बहुत बड़ी मैनिपुलेटर थी, इसके कईयों के साथ इशू हो सकते हैं सर। और जिस थ्योरी के बारे में हम शुरू से ही सोच रहे हैं, रजनी को गायब करने में बुधिया का हाथ हो सकता है। कमिन सर, मैंने रजनी का लैपटॉप चेक किया जो हमें अमन ने दिया था सर, उसमें कुंडली मिली। सर कुंडली पे जन्म स्थान शामगढ़ लिखा है और कुंडली के ऊपर कौशल नाम लिखा है। कौशल? सर कहीं बुधिया का असली नाम कौशल तो नहीं, जैसा कि रजनी बोल रही थी, हो सकता है कुंडली बुधिया की हो। कुंडली में जन्म स्थान है शामगढ़, पता करो शामगढ़ में कोई कौशल नाम का आदमी रहता है। वाह पापा, वेरी गुड, आज तो एक भी मिस्टेक नहीं। इसका मतलब अखरोट असर कर रहा है मुझ पर। हाँ पापा, लेकिन पापा अखरोट तो खत्म हो गए। तो क्या हुआ, मैं बाजार से और ले आता हूँ। अच्छा तेरे लिए कुछ लाना है? नहीं पापा। चल ठीक है, मैं अखरोट लेके आता हूँ। हाँ सर, शामगढ़ थाने से इस कौशल का फोटो मिला है जो पिछले 10 साल से एक मर्डर केस में एब्सकॉन्डिंग है। किसके मर्डर केस में एब्सकॉन्डिंग है? जयदूत सिंह, ये पॉलिटिशियन नरेंद्र का मामा था और नरेंद्र का नाना एक ज्योतिष था। रजनी के लैपटॉप में कुंडली के साथ के अक्षर लिखा मिला। सर रजनी और नरेंद्र की फोन पे काफी बातें होती थी और ये बुधिया नरेंद्र पे दो बार अटैक भी कर चुका है, शायद बुधिया ही कौशल। हाथ में जोर नहीं है क्या, जरा दम लगा। हाँ मालिक। मालिक, यूपी के गिरोह से 1100 पिस्तौल का ऑर्डर है, बहुत फायदे का सौदा है। अगर कौशल ही बुधिया है तो नरेंद्र काफी राज जानता होगा, लेकिन ये राज बुखलाए कैसे जाए? क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, पुलिस रेड है ये नेताजी, इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें, इस होटल के अंदर देह व्यापार होता है। देखो तुम जानते नहीं हो मैं। आप चाहे कोई भी, जरा सोचिए अगर केस बना तो आपके नाम का क्या होगा? अगर तुम चाहते क्या हो? थोड़ी सी जानकारी बुधिया के बारे में। देखिए कौशल और उसके परिवार से 36 का आंकड़ा था मामा का, मामा अय्याश थे, कौशल की बहन का रेप किया और उसे मार दिया और इस सदमे में कौशल का बाप भी मर गया। कौशल ने मामा को मारकर अपना बदला पूरा किया और फिर भाग गया था और ये कौशल ही बुधिया बन गया। कह नहीं सकते लेकिन सुनने में आया था कि वो भागकर बागियों की गैंग में शामिल हो गया था, फिर दो बार हम पे बागियों ने अटैक किया तो हमें लगने लगा कि कहीं कौशल ही बुधिया ना हो। और ये सारी बातें आपने रजनी को बताई? वो हमारी जीत के बाद अपना फायदा उठाने के लिए हमारे नज़दीक आ गई थी, उसे हीरो बनना था और हमें बुधिया नाम का भ्रम मिटाना था, इसलिए हमने ये राज उसे बता दिया। उस कौशल की जन्म कुंडली मेरे नाना ने बनाई थी पहले, वो भी हमने उसे दे दी, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। कौशल ही बुधिया है ये अब तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अब तक जितनी भी एक के बाद एक सरकटी लाशें सामने आई हैं और क्रिमिनल ने कोई क्लू नहीं छोड़ा, उसे यही सिद्ध होता है कि ये किसी बहुत ही शातिर आदमी का काम है। सर जहां लाश मिली वहां से तकरीबन 500-600 मीटर की दूरी पर एक जोड़ी जूते मिले थे और जूतों पर खून के धब्बे लगे थे, शायद वो जूते क्रिमिनल के हों। सर लाश को डम करने के बाद वहां से भाग रहा हो, जूते का सोल निकल गया हो और वो जूतों को वहीं उतार के भाग गया हो। यस कमिन। सर खबरियों से एक टिप मिली है, फिर से हथियारों की एक डील होने वाली और इस बार भी डिलीवरी संगम क्षेत्र पर ही होगी।
टीम रेडी करो। सब माल आ गया? एकदम रेडी है। तो दिखा दे। ए धनिया, क्या लफड़ा हो रहा है ये? किशोर कुमार, नहीं तो शूट कर दूंगा। रुक, 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 रुक। साहब सच कह रहा हूं, मैं बुधिया नहीं हूं। तो बुधिया कहां है बोल। सब बुधिया मर चुका है। सब सच कह रहा हूं, बुधिया मर चुका है। बोल दे सच, नहीं तो तू नहीं बचेगा, ये पक्का है। सब वो साल भर पहले हम लोगों के पुलिस से मुठभेड़ हुई थी, उसमें बुधिया को गोली लग गई थी और हम लोग उसे घायल अवस्था में उठाकर अपने अड्डे पर ले आए थे, पर सब बुधिया मर चुका था। पर सब बुधिया को किसी ने देखा नहीं था, इसलिए मैं उसके नाम को जिंदा रख के उसके नाम से गिरोह चलाने लग गया। ये कौशल ही धनिया था? हाँ सब, यही बुधिया था। सब कौशल का केतु बहुत बलवान था और केतु की पूजा बुध की रात्रि को की जाती है, इसलिए वो अपने आप को बुधिया कहलाने लगा। एसपी प्रदीप महेश्वरी, उनको भी तुम्ही लोगों ने मारा था? हाँ सब, हमने उनको उठाकर मार डाला। और उनका ड्राइवर दर्शन? हाँ साहब, उसको भी हमने मार डाला। हमें जो इतनी सारी सरकटी लाशें मिली हैं, उन लोगों को भी तुम्ही लोगों ने मारा? हम सर काट कर नहीं मारते, हम तो गोली मारते हैं साहब। तुम्हारे आदमी धनिया ने हमें बताया कि रजनी को भी तुम्ही लोगों ने उठाया था। सर ये जूता तो मेरा ही है, पर ये तो मंदिर के बाहर से चोरी हो गया था साहब। मंदिर से चोरी हो गया था? हाँ साहब, रजनी ने बताया कि उसने मंदिर के पुजारी को कौशल की कुंडली दिखाई थी और पुजारी ने जैसा बताया वैसा वैसा ही कौशल के साथ हुआ था। तो सब हमें लगा कि पुजारी बहुत ज्ञानी आदमी है, तो सब हमने भी पूजा करवाई थी और वही मंदिर के बाहर से ये जूता चोरी हो गया था साहब। साहब मुझे नहीं पता वो बुधिया के लोग थे, पर साहब वो अपराधी लोग ही थे। साहब मैं बहुत डर गया था, इसलिए उन लोगों के बारे में पहले आपको नहीं बता। उसके जूते किसने चुराए थे यहाँ से? वो मेरी जीजाजी के। कौन है वो, नाम क्या है उसका? नहीं। नहीं, 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 नहीं। मेरी बेटी को फंसाएगा तुझको तो मैं काट डालूंगा। नहीं, 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 छोड़ दो। राजेश मुझसे आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। सब कुछ सच सच बोल, अब अभी शुरू से। दिमाग ठस्ता साहब मेरा, सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और इसके चलते मेरे बाप ने मेरी शादी उस ब्रिज की अपंग बहन से कर दी। मैं झेल लिया था, बीवी मर गई वो भी झेल लिया, लेकिन बेटे की शादी करनी थी साहब। जो भी काम करता घाटा हो जाता, दिमाग लगा ही नहीं पाता था। फिर मैंने अपने साले ब्रिज से उपाय पूछा। नरबलि। नरबलि? हाँ नरबलि, इसी के बल पर पुराने समय में रंक राजा बन गए। क्या साले साहब, मुझे अंधा करवाओगे क्या? ठीक है फिर कोई छोटा उपाय कर लो, किसी ज्ञानी ध्यानी पराक्रमी के जूते चुरा के ले आओ। मैं वशीकरण पूजा से ऐसा करूंगा कि
कि उसके गुण आप में आ जाएंगे। मैं इतना हताश हो गया था साहब कि मैंने सारे उपायों को एक साथ करने का सोच लिया, उन्हें पटाकर अपने अड्डे पर ले आता और उनकी बलि चढ़ा देता साहब, और हाँ फिर उनकी खोपड़ी का मगज मैं खा लेता साहब। व्हाट? तू लोगों का मगज? हाँ साहब, करण, रजनी, सिद्धि, आकाश और ऐसे बहुत सारे बुद्धिमान और पराक्रमी लोगों का मगज मैंने खाया है साहब। अब तक कितने लोगों को शिकार बनाया तूने अपना? जितने जोड़ी जूते मिले हैं होंगे आपको उतने ही है साहब। रजनी को भी तूने? अरे साहब, वो रिपोर्टिंग कर रही थी मेरे द्वारा मारे गए लोगों के केस की। भले वो कह रही थी कि सबको बुधिया गैंग ने मारा है, लेकिन मैं टेंशन में था साहब। मुझे लगा ये पता लगाते लगाते मुझ तक जरूर पहुंच जाएंगे। फिर एक दिन पता चला कि बुधिया गैंग के लोगों ने उसे अगवा कर लिया। लेकिन एक दिन साहब वो बुधिया गैंग के लोगों को चकमा देकर भागी और आई कहाँ? मेरे साले के शरण में। तू जूते क्यों चुराता था? क्या बुधिया गैंग के लोगों को भी मारा तूने? बुधिया गैंग को मारना मेरे बस की बात कहाँ, लेकिन मुझे उनका पराक्रम तो चाहिए था, इसलिए मैंने सिर्फ उनके जूते चुराए। और आखिरी बार लाश को ठिकाने लगाते वक्त उस जूते ने भी धोखा दे दिया सर। किसकी लाश थी वो? रोमेश, दिमाग का डॉक्टर था साहब, बहुत बुद्धिमान, उसका दिमाग भी पैनी चट गया साहब। हीन भावना का शिकार इंसान कभी अपना हित नहीं कर पाता। राधेश्याम भी हीन भावना का शिकार था। उसमें जो कमियां थी वो अक्सर कई लोगों में होती हैं, लेकिन इन कमियों को सही से सुधारा ना जाए तो वो इतना हावी हो जाती है जो एक तरह के अतिवाद को जन्म देता है, जैसे दीमक लकड़ी को खोखला बना देती है। और जब उसमें अंधविश्वास जैसी भ्रांतियां पनपती हैं तो इंसान को होश भी नहीं रहता और वो मिथ्या कर्म कांड के नाम पे एक आतताई बन के घोर अपराधों में लिप्त हो जाता है और उसका विवेक विलिप्त हो जाता है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। मेरी बात तो सुन, हरकत करने की सोचना भी मत, वरना गाड़ी सीधे तेरे ऊपर चढ़ा दूंगी। चल निकल यहाँ से, ये हमारे दोनों के बीच का मामला है। ये हमारे भी बीच का मामला है। प्रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर आइंदा इसके आसपास भी नजर आया ना तो गाड़ी सीधा तेरे घर में घुसा दूंगी। नीति, नीति, चल निकल यहाँ से, निकल। देख लूंगा तू। जान, जान, तू इसको झेलती क्यों है? गरीबों को तो झेलना ही पड़ता है ना, और वैसे भी किस्मत का क्या पता, कल को अगर मुझे इससे ही शादी करनी पड़ जाए। ऐसा सोचना भी मत, वरना गाड़ी तेरे ऊपर ही चढ़ा दूंगी मैं। देख अगर पैसे की प्रॉब्लम है ना तो तू मुझे बता दे, मैं पापा से बात कर लूंगी, तेरी कहीं ना कहीं जॉब लगवा देंगे वो। वो तो अच्छा हुआ मेरा ड्राइवर आज गुटली मार गया तो मुझे खुद डिलीवरी करने निकलना पड़ा। लड़की होके तू कंपनी चलाती है, डिलीवरी भी खुद ही देने जाती है, इतना सब कुछ तू कर कैसे लेती है? अरे हिम्मत हो तो सब कुछ पॉसिबल है, तू भी कर सकती है। चल तुझे घर छोड़ देती हूँ। बहुत पुरानी कहावत है, गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है लेकिन गरीब मरना आपकी विफलता है। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय में। आजादी के इतने सालों बाद आज भी
गरीबी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। आज का हमारा एपिसोड भी ऐसे ही एक गरीबी और चाहत से जुड़े गुनाह की एक कहानी है। 21वीं सदी के दो दशक बीत जाने के बाद आज भी लोग अपनी चाहत को हासिल करने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। इच्छा रखना और उसे पाने के लिए कोशिश हमेशा करनी चाहिए, लेकिन फर्क तो सिर्फ इस बात का है कि आप किस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपने पापा को बुलाइए, मैं लड़कियों से बात नहीं करता, बताऊंगा उन्हें। आप ऐसे पुराने एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल नहीं सकती। टेक ओवर के वक्त ये डील हुई थी। डील 3 साल पहले हुई थी हेमंत जी, अब कंपनी मैं संभालती हूँ। अगर कोई ड्राइवर महीने में आधे से ज्यादा दिन काम पर नहीं आएगा तो वो बाहर जाएगा, और अगर आगे से आपने ऐसे किसी इंसान का पक्ष लिया है ना, तो आप भी बाहर जाएंगे। बहुत बड़ी गलती की है मेरे पापा ने जो आपको ये बिजनेस बेचा। दीदी आपके झगड़े फिर से चालू हो गए। अरे तो क्या करूं स्वाति, ऐसे लोग ऑफिस आकर लड़कियों को धमकाएंगे, उनको परेशान करेंगे, तो ऐसे लोगों को ऐसे ही हैंडल करना पड़ता है। अरे दीदी तो पापा से बात करो ना, आप क्यों झगड़ा करते फिरते हो। नहीं नहीं, पापा को पहले ही 10 टेंशन है फैक्ट्री की। स्वाति मेरी बात सुन, पापा को कुछ भी नहीं बोलेगी, ठीक है? अरे बोला था ना आराम से काम करो। ट्रांसपोर्ट ऑफिस में क्या हुआ है और ये पुराने मालिक का लड़का क्यों आया था? पापा वो ऑफिस आकर अपनी पावर दिखा रहा था तो झाड़ दिया मैंने। बस गार्ड से पिटवाया नहीं? क्या पापा आप भी ना। अरे मेरा बच्चा, जो तुझे ठीक लगे ना वो कर, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉफिट डबल कर दिया तूने बिजनेस का। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि अपनी आयरन फैक्ट्री बंद करके तेरे साथ ट्रांसपोर्ट ऑफिस में बैठ जाता हूँ, बस एक बार तेरी शादी करो। पापा ये शादी। अरे रुक ना, रुक ना बेटा, ये देख कुछ फोटोग्राफ्स आए। अरे देख तो सही, इनमें से तेरे बिजनेस के साथ किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये लड़के वड़के देखना नहीं होता मुझसे, एंड आई नो आप मेरे लिए जो चुनोगे बेस्ट चुनोगे। चलती है ना तू मुझसे मेरे काम से, इसलिए बार बार मेरे काम में टांग अड़ाती है। जलन नहीं, चिंता है आपकी। ठीक है करो जो आपके मन में है, लड़ो लोगों के साथ, कोई कुछ कर देगा किसी दिन तो। अपना मेकअप और कोर्स करने मुंबई जा, और आइंदा मुझसे बात मत करना। स्वाति बेटा, नीति को जल्दी से ले आओ, शादी का मुहूर्त हो रहा है। जी पापा। प्रिया आप दीदी को लेके आएंगे प्लीज? हाँ मैं अभी लेके आती हूँ। नीति, नीति, अंकल जी। क्या हुआ? स्वाति, अंकल जी, अंकल जी नीति कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? मैंने बाथरूम में भी चेक किया, वहां पे भी नहीं है। अरे यहीं कहीं इधर उधर घर में होगी, तुम अंदर जाके देखो जल्दी। नीति, 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 नीति। बस कीजिए समधी जी, अब आप बता दीजिए कहाँ भगाया है अपनी बेटी को। क्या बकवास कर रहे हैं आप, मैं क्यों अपनी बेटी को उसी की शादी से भगाऊंगा? मैं सब समझ चुका हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सब किया धरा आपका ही है। या तो आप यहीं बता दीजिए, नहीं तो पुलिस पूछेगी आपसे ये सवाल। सर इतना इंतजाम करके खर्चा करने के बाद अपनी बेटी को उसी की शादी से भगाऊंगा मैं, क्यों? तो फिर निधि शादी के जोड़े में इतने सारे मेहमानों के बीच में से गायब कैसे हो गई? सर मैं बता रहा हूँ आपको, सब कुछ किया धरा इसी आदमी का है, कोई मालदार पार्टी मिल गई होगी इसको, इसलिए मेरे 20 लाख रुपए देने के लिए। क्या 20 लाख? क्या सर वो इसने कहा था कि 20 लाख कैश शादी में देगा। मतलब चीचा को 20 लाख रुपए नहीं मिले इसलिए चीचा रूठ गए। ले आपको 20 लाख रुपए दिलाते, लेके जाओ इनको।
सर, कैश है। नीति के कमरे के बाजू वाले कमरे में रखा है सर, लॉकर में। और संदीप जी, आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर। कैसे बाप है आप? एक और बेटी को बिजनेस शुरू करके देते और फिर दूसरी ओर ये दहेज। क्या लॉकर खुला है और पैसे गायब हैं? सर मैंने पैसे लॉकर में ही रखे थे सर, मुझे याद। बस बस कीजिए पापा, पैसों को छोड़िए अभी, दीदी इंपॉर्टेंट है ना अभी। देखिए नीति बिजनेस करती है और जाहिर है कि बिजनेस में राइवल्स तो होंगी, तो उसका किसी के साथ कोई झगड़ा या फिर किसी पर आपको कोई शक? हेमंत हो सकता है, या फिर वो प्रिया का आशिक अभय। अभय और हेमंत वाली बात तो पुरानी हो गई है। तू ब्यूटी पार्लर के कोर्स के लिए मुंबई चली गई थी, तुझे कुछ नहीं पता है। सर वो आए दिन नंदू टेरिस पर आ जाता था। नंदू? जी, नीति के लिए उसका रिश्ता आया था। बताया गया था कि वो डॉक्टर है, लेकिन बाद में पता चला कि वो किसी अस्पताल में छोटी सी जॉब करता है, सिर्फ 30,000 रुपए कमाता है। तो मैंने रिश्ता कैंसिल कर दिया। इसी बात को लेकर पूरी फैमिली झगड़ा करने आती थी, और खास करके वो नंदू। तो क्या करता? नीति के पापा उससे बात तक नहीं करने देते थे, इसीलिए एक दफा बात करने के लिए टेरेस के थ्रू गया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता ना कि मैं नीति को उठाकर लेके जाऊंगा। मेरे हॉस्पिटल में मेरे बारे में पूछताछ कर लीजिए। आज तक किसी के घर में डाका डालने की नौबत नहीं आई नंदेश शर्मा की। मैं नीति जितना नीच नहीं हूं सर कि बिजनेस के लिए इस हद तक गिर जाऊंगा। आप किसी से भी पूछ लीजिए, उस रात मैं अपने घर पे था और ये जो उसकी हरकतें थी ना, ये तो होना ही था उसके साथ। हाँ मैं गया था वहां पे, नीति के बगल में ही मेरे चाचा जी रहते हैं, उनकी लड़की का बर्थडे है आज, इसलिए गया था। अरे साहब कुछ करना होता ना तो 6 महीने पहले कर देता, 6 महीने इंतजार क्यों करूंगा? वैसे भी मेरी और प्रिया की शादी होने वाली है। पर प्रिया तो तुम्हें पसंद ही नहीं करती है ना? साहब प्रिया तो मुझे हमेशा से पसंद करती थी, और वो नीति है जो उसको मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। एक नंबर की चालाक लड़की है। इसकी शादी होने जा रही थी, फिर ये शादी से ही गायब हो गई, फिर किसी ने इसे इतने बेरहमी से मार दिया। नीति! नीति! किसने किया? गहने कहाँ गए? सब 14-15 लाख से ऊपर के गहने थे। मुझे धक्का देती है। वाशिक तेरी माँ को मार के भाग गया। सुन, जब हम बाहर थे वो खिड़की के रास्ते से घर में घुसा, कुल्हाड़ी से तेरी माँ को मारा और भाग गया, यही बोलेगा तू। तू टेंशन मत ले, मैं सब ठीक कर दूंगा, ठीक है? सर ये बृजनाथ बहुत ही अजीब बाप, सामने बेटी की लाश पड़ी थी और उसके मुंह से सबसे पहले क्या निकला? गहना। पांडे, अगर ये बृजनाथ अपनी ही बेटी नीति को प्लान करके गायब करता है तो फिर ये नीति की लाश। एक काम करो, ये बृजनाथ का फोन मांगवा। एक मिनट बताइए बात क्या है। मुझे मिलने दीजिए साहब से। एक मिनट मैडम बोलिए, क्या बात है? मेरा एक कुत्ता था साहब, एक रात वो घर नहीं आया, करीब 6 महीने पहले की बात है। आपके कुत्ते का और नीति का क्या कनेक्शन?
तीन दिन तक मैंने उसे पूरे शहर में ढूंढा, पर मिली उसकी लाश ठीक उसी जगह जहां आपको उस दुल्हन की लाश मिली थी, और ठीक उसी तरह चीर फाड़ करी हुई जैसे उस दुल्हन की थी। मतलब आप ये कहना चाहती कि वो दुल्हन और आपके कुत्ते का कातिल एक ही इंसान है? एक ही है, पर इंसान नहीं, शेर। मैडम इस जंगल में सियार तक नहीं है, शेर। मुझे मालूम था आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इसीलिए। एक मिनट, जीतू, जीतू इधर आ। साहब ये जीतू है, वो रामदीन सिंह है ना, उसकी वर्कशॉप में काम करता था जहां वो लकड़ी और रद्दी का काम होता है। अभी 3 महीने पहले इसने नौकरी छोड़ी है। जीतू बता ना साहब को, तूने उस दिन क्या देखा था, बता, डर मत, बता। साहब उस रात ना बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए मैं ना कारखाने में रुक गया था, और जब बारिश बंद हुई ना तो मैंने बड़े से जानवर की परछाई देखी। मतलब रात के अंधेरे में तूने परछाई देखी? हाँ साहब, मतलब मेरा कि मैंने बड़े से जानवर को वहाँ से जाते हुए देखा। मैं इतना डर गया था ना, पूरी रात में कारखाने में रुका, और उसके बाद मैंने कुत्ते की चीख सुनी। बेटा बारिश तो बहुत हुई थी ना उस रात, है ना, तो जमीन तो गीली हो गई होगी, तो दूसरे दिन सवेरे तुझे शेर के पंजों के निशान नहीं दिखे? बोल। कुछ भी हो जाए आप लोग तो मानेंगे नहीं, क्योंकि शेर को पकड़ना तो आप लोगों के बस में है नहीं। जीतू चल, इन्हें बोलने का कोई फायदा नहीं, ये हमारी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। सरी रिपोर्ट आ गया। ये क्या नया ट्रैक है पांडे, शेर। सर ये सरिता जी अकेली रहती हैं, तो शायद मनगढ़ंत कहानियां बनाती होंगी। सर मेन प्रॉब्लम तो यहाँ है फॉरेंसिक रिपोर्ट पे, हमें टेरेस पे जो ब्लड मिला था वो लड़की का है ही नहीं। तो हमारे किसी सस्पेक्ट का होगा, नंदू और बाकी सस्पेक्ट से मैच करवाओ। जी सर। अलमारी में कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला। तो पांडे ऐसा हो सकता है कि जो आया था वो ग्लव्स पहन के आया हो। तो मुझे ये बताओ ना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो एक अजीब बात सामने आई है, नीति की बॉडी पर जो घाव थे उसमें लकड़ी का चूरा मिला है। लकड़ी का चूरा, इसका मतलब है जो मर्डर वेपन है वो लकड़ी काटने के काम आता है। पांडे ये सरिता जी जो अभी आकर गई वो किसी रामदीन के बारे में बात कर रही थी जिसकी कुछ लकड़ी काटने की और रद्दी की वर्कशॉप। जी सर। चलो इस रामदीन से मिलकर आते हैं। कमाल करते हैं साहब, डेड बॉडी पे लकड़ी का भूसा मिल गया और आप सीधे हमारे वहां चले आए। हम ए बनकर बंद। सिर्फ इसलिए नहीं आए हम, इसलिए भी आए हैं क्योंकि वो बॉडी आपके इस वर्कशॉप से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर मिली है। तो हमारा क्या लेना देना है ब्रिजनाथ की बेटी से साहब? वो सरिता सही कह रही है, ये शेर ने किया है, वो दुल्हन को और कौन मारेगा साहब, आप लोग भी ना। आपके वर्कशॉप में इस्तेमाल होने वाले औजार कहाँ है वो? सब औजार का वो हिसाब हमारा सुपरवाइजर रखता है। हेमंत, हेमंत साहब, हेमंत। हाँ सर। तुम, आप जानते हैं इसे? हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुपरवाइजर की नौकरी कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, उस नीति ने बर्बाद जो कर दिया मुझे। पांडे ये हेमंत जितना सीधा दिखता है उतना सीधा लगता नहीं। पर सर हमने पता तो किया था, हेमंत के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उस रात वो अपने घर पर ही था, और तो और आईपी भी चेक किया उसका, वो उस वक्त ऑनलाइन कुछ वीडियोस देख रहा था। सर वैसे कॉल रिकॉर्ड से एक बात याद है। क्या? जब मैं कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो उसमें से मुझे एक सर मेरी बहन नीति के कातिल का कुछ पता चला क्या? ऐसे कैसे कोई घर में घुसकर दीदी को गायब कर सकता है? आप तसल्ली रखिए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ऐसे कैसे तसल्ली रखूं? छोटा सा झगड़ा क्या हो गया, दीदी ने मुझसे बात ही करनी बंद कर दी थी, इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आप प्लीज हमें बताइए कि पिछले 1-1.5 महीने से नीति का फोन इनएक्टिव क्यों था? इनएक्टिव? सर ऐसे कैसे हो सकता है, दीदी को तो बहुत सारे कॉल आते थे ऑफिस के काम से। हमने उनके ऑफिस में भी पता किया, वो उस दौरान ऑफिस जाती नहीं थी। सर दीदी बीमारी तक मैं ऑफिस मिस नहीं करती थी। सर
सर ये कॉल रिकॉर्ड आपको देखने चाहिए। उस दिन अगर तुम अपना बर्थडे घर पर मना रहे थे तो तुम्हारे फोन की लोकेशन जंगल में क्यों दिखा रही थी? क्या सर सिर्फ उसी दिन का चेक किए? कुछ दिन पहले का चेक करते तो हर दिन का लोकेशन आपको वही मिलता। रनिंग करने जाता हूँ डेली। पिछले 2 सालों में 5 मैराथन भाग चुका हूँ मैं। अगले महीने मुंबई में मैराथन होने वाली है, उसी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उस दिन हंगामे के बाद थोड़ा मूड ऑफ हो गया था, इसके लिए रनिंग करने निकल गया। देखो ये रनिंग, ये मैराथन, ये सब बकवास छोड़ो और सच सच बोलो। सर क्या प्रूफ है आपके पास कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे साहब से मिलना है, मिलना है यार। अरे रुको, साहब इस शहर में शेर घूम रहा है, हमें खबर मिली है। आप क्या कर रहे हैं साहब? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि हमें और हमारे बच्चों को खा जाए साहब? देखिए ये एक अफवाह है, जंगल में कोई शेर नहीं है। लेकिन सरिता जी अपने लोकल न्यूज़ में बता रही है साहब कि शेर है। मैंने खुद सुनी थी शेर की दहाड़ उस दिन लकड़ी की वर्कशॉप के पास, पर पुलिस तो कभी ये मानेगी नहीं। सर अगर सच में ही शेर हुआ तो कमाल कर रहे हो पांडे। मतलब 10 साल से शेर उस जंगल में है और अब अचानक उसे भूख लगी। पांडे मुझे टेंशन तो इन लोगों की हो रही है, आज तो जैसे तैसे भगा दिया लेकिन डर फैल रहा है शहर में। पांडे अपने शहर में एक प्रोफेसर शेखर है, ये जंगल वगैरह में रिसर्च करते हैं। हाँ सर उसे जंगल का चप्पा चप्पा पता है। उनको बुला के लेके आओ, शहर के लोगों को उनकी बात पर बहुत भरोसा है। अगर वो कहेंगे ना कि शेर नहीं है तो शायद लोग मान जाएंगे। जी सर। मेहनत से ही बिजनेस सेटल किया है, घर के काम नहीं कर पाऊंगी, ऑफिस जाना पड़ता है रोज। घर के काम के लिए तो काम वाली बाई आ जाएगी, बिजनेस आपका पैशन है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब बातें आप सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं कह रहे? वो जानने के लिए तो आपको शादी करनी पड़ेगी। दस साल से चल रही है शेर की कहानी। एक सर्कस कंपनी आई थी, उनके पास शेर तो था नहीं लेकिन उन्होंने पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दिया कि शेर का खेल दिखाएंगे। और इवेंट वाले दिन उन्होंने कह दिया कि शेर जंगल में भाग गया। तब से लोगों को लगता है कि जंगल में शेर है। प्रोफेसर साहब अगर जंगल में शेर नहीं है तो फिर ऐसा कौन सा जानवर है जो इंसान की जान ले सकता है? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, इतने सालों से मैं पेड़ों की गैर कानूनी कटाई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ और इसीलिए इस जंगल का चप्पा चप्पा जानता हूँ मैं। और जितना मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जंगल में कोई शेर नहीं है, उतना ही मेरी बुआ लोगों को आकर बोलती है कि इस जंगल में शेर है, शेर है। बुआ? हाँ सर, सरिता जी मेरी बुआ है, वो मेरी बात समझती ही नहीं है। लेकिन खैर अगर आप कह रहे हैं तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लोगों को समझा पाऊँ। सर ये बृजनाथ सीधा आदमी नहीं, ये तो लगा था, पर इतना घटिया आदमी होगा ये नहीं सोचा था। ये देखिए उसके फोन से क्या मिला। कौन है? सर मैं क्यों अपनी बेटी की ऐसी फोटोग्राफ्स लूंगा? ये फोटोज देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि नीति ने खुद में फोटो नहीं खींची, किसी और ने खींची। और ये फोन किसका है? आपका। ये फोटोज आपके फोन से मिली, अब आप मुझे बताइए कि आपने नीति की ऐसी फोटोज क्यों खींची? सर मुझे नहीं पता कि ये फोटोग्राफ्स मेरे इस फोन में कैसे आए। और सर आप मेरी बेटी के कातिल को और उस आदमी को क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं जिसने मेरे सारे पैसे और मेरे सारे गहने चुराए हैं? कौन है?
अरे कौन है वहां? फिर से आ गए ना तुम लोग यहाँ पेड़ काटने के लिए? क्या देख रही है? आपने सच में दीदी के साथ कुछ किया तो नहीं ना? शादी के कुछ हफ्ते पहले से दीदी का फोन क्यों बंद था? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी घटिया बात करने की? और उसका फोन बंद नहीं था तो उससे बात नहीं करनी थी। पांडे, ये ब्रिजनाथ के बारे में ए टू जेड सब पता करो, पूरी कुंडली निकालो उसकी। जी सर। बिल्कुल वैसे ही मारा है, ये शेर का ही काम लग रहा है भाई। पक्का शेर का काम है ये। जंगल में पेड़ों की बेहिसाब कटाई और नेचर के साथ होती छेड़खानी के कारण आजकल जंगली जानवरों का इंसानों पर हमला करना आम बात है। कुछ ऐसा ही यहाँ भी हो रहा था। गांव के लोगों ने तो इस बात को मान लिया था कि इन सब हत्याओं के पीछे शेर है, लेकिन पुलिस अब भी इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थी। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि जिस खूनी को पुलिस ढूंढ रही थी वो एक इंसान नहीं बल्कि एक आदमखोर शेर है? ए, आना। तो बोला था ना सब ठीक कर दूंगा मैं, एक बार फिर से अपना घर बसाया है। ये तेरे माँ जैसी नहीं है, बहुत ख्याल रखेगी तेरा। है चल जा बाहर खेल, है चल और दरवाजा बंद कर लेना। हाँ सर, बॉडी की कंडीशन देख के तो लग रहा है कि यह किसी जंगली जानवर का काम है। देखिए डॉक्टर, मुझे आपसे ये शेर वाली कहानी नहीं सुननी। मुझे ये बताइए, अगर किसी इंसान ने मारा हो तो कैसे मारा होगा? तो सर, उसके लिए दो हथियारों का इस्तेमाल एक ही साथ हुआ है, एक कुछ हथौड़ी जैसा और दूसरा धारदार औजार। ठीक है सर, दुल्हन की बॉडी पर से जेवर गायब थे, अब ये काम शेर का तो नहीं हो सकता ना? पर सर, शेखर की बॉडी पर ना जेवर थे ना पैसे, फिर कोई आदमी उसे क्यों मारेगा? सर कहीं सच में कोई शेर तो नहीं जो जंगल से नदी पार करके इस तरफ आया हो? पांडे, नदी के पार जंगल नहीं गांव है, और फोकस शेर पे नहीं इस पे करो। 3 साल पहले शेखर ने रामदीन के खिलाफ इलीगल पेड़ की कटिंग को लेकर कंप्लेंट दर्ज की थी। मतलब रामदीन के पास शेखर को मारने का मोटिव था, लेकिन उसने अपने वर्कशॉप के पास ही क्यों मारा? सवाल ये नहीं है पांडे, सवाल ये है कि रामदीन ने शेखर को मारने में 3 साल क्यों लगा दिए? या फिर ऐसा हो सकता है कि नीति और शेखर ने रामदीन को एक साथ देख लिया पेड़ काटते हुए? सर, इस रामदीन को उठा लो। नहीं, अभी नहीं, फिलहाल उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे। एक काम करो, रामदीन की पास्ट और प्रेजेंट की पूरी हिस्ट्री निकालो और देखो कोई ऐसा मिलता हो जिसे वर्कशॉप के अंदर की सारी डिटेल्स पता हो। सर, वो जीतू था ना जो रामदीन की वर्कशॉप में काम करता है? मैं कह रहा था मैं नहीं आ पाऊंगा इस बार त्योहार पर, यहाँ पे एक अजीब सा मर्डर का केस आया है। पर भैया देखो ना, कुछ हो सकता हो तो। नहीं हो पाएगा, एक दुल्हन का मर्डर हुआ है ना, वो भी बड़ी अजीब तरीके से, पूरा चीर फाड़ दिया उसको। एक दुल्हन के मर्डर का केस हमारे थाने में भी आया था कुछ 1 साल पहले, सेम वैसे तरीके से उसे भी चीर फाड़ दिया गया था और आज तक ये केस सॉल्व नहीं हो पाया। शेर की बात ही हो रही है। सर, सर मेरा भाई श्याम मेरे गांव पालिका एक कांस्टेबल है, तो सर उसके थाने में भी सेम केस आया था जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। सर शेर का तो पता नहीं, लेकिन मर्डर जो है लगभग सेम तरीके से ही हुआ है, और सर जिसका मर्डर हुआ था ना वो एक दुल्हन ही थी। कब हुआ था ये और उस केस की और कोई डिटेल्स हैं? सर करीब 1 साल पहले की बात होगी, लेकिन सर दुल्हन की आइडेंटिटी अभी क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, वहाँ के ऑफिसर से बात करवाओ। जी सर। साहब, वो ब्रिज जी के यहाँ पे ज़्यादा पैसे मिले थे मुझे, इसलिए मैं वर्कशॉप पे नौकरी छोड़ देते, और वहाँ पे शेर का भी तो खतरा था ना साहब। मेरे सामने शेर की बात मत करना, समझा? अच्छा मुझे बता कि तेरे वर्कशॉप पे कोई अक्सर रामदीन को मिलने आता था क्या? हाँ
हफ्ते में एक दिन उनसे कोई तो मिलने आता था। उस दिन सबके जाने के बाद साहब वर्कशॉप में अकेले रुकते थे। साहब उस दिन मैं अपना झोला भूल गया था, इसलिए वापस लेने गया था। ए, क्या कर रहे तू इधर? मेरी छुट्टी हो गई ना? साहब मेरा झोला भूल गया था मैं यहाँ पे। हो गया ना, चल निकल। हाँ गया वो, आ जाओ। कौन था वो? साहब मैं ज्यादा कुछ नहीं देख पाया था, रामदीन जी ने मुझे भगा दिया था वहां से। सर एक मिनट, सर ब्रिजनाथ के मोबाइल में जो फोटो मिले थे उन्हें इनलार्ज करवाया। सर ये फोटो में देखिए किसी का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, नीति की फोटो खींचते हुए। ये सर ये तो सुलभा है। सुलभा हमारी नौकरानी। सुलभा, सुलभा जी साहब। तो तुमने खींची थी ये इतनी वाहियात फोटोग्राफ नीति की? साहब हम तो नौकर हैं, मालकिन ने कहा था ऐसे फोटो खींचने को। दीदी ये लीजिए। दीदी जल्दी कीजिए, साहब ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। एक मिनट, एक मिनट, चलिए। हाँ पर दीदी के पास खुद का अपना फोन था तो पापा के फोन से क्यों खिंचवाएंगी? मालिक ने 1.5 महीने पहले फोन छीन लिया था। छीन लिया था? ये घर में क्या चल रहा था पापा? कुछ नहीं चल रहा था। मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। यहाँ आने से पहले हमने आपके सारे अकाउंट्स चेक किए। पिछले कुछ महीनों में क्रेडिट कार्ड से काफी शॉपिंग की है आपने, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन। अरे पर किसके लिए? घर में ऐसा कुछ नया तो आया नहीं है। आपके घर के लिए नहीं, इन सारी चीजों की डिलीवरी प्रिया के घर पे हुई थी। प्रिया नीति की दोस्त। अब आप कुछ बताएंगे या फिर बाकी की कहानी मैं प्रिया से पूछ लूं? क्या करती सर, घर में खाने तक को पैसे नहीं थे और फिर ब्रिज जी मुझे मिले। नीति ने मुझे बताया तुम्हारे बारे में, मैं मदद कर सकता हूं तुम्हारी, लेकिन बदले में तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सर। और नीति को यह बात कब पता चली? और जब नीति ने आपकी इस हरकत का विरोध किया तो आपने उससे उसका फोन छीन लिया, उसका ऑफिस जाना छुड़वा दिया। वो अपने बाप से बदतमीजी कैसे कर सकती थी? और बच्चों को संस्कार सिखाने के लिए ना ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। संस्कार नहीं, डर। इस बात का डर कि कहीं आपकी काली करतूत जमाने के सामने ना आ जाए। और आपको लगा होगा कि शादी के बाद तो आप नीति जैसी कॉन्फिडेंट लड़की को रोक नहीं पाओगे। तो पापा आपने दीदी को इसलिए शादी वाले दिन भी आप सब प्रिपरेशन छोड़ के आधे घंटे के लिए कहीं चले गए थे, और आज ही आपने दीदी को बुलाने के लिए कहा था। फूल लाने के लिए गया था, पंडित जी ने अचानक से फूल लाने के लिए बोल दिया था। तो आपने अपनी प्रिया को कहा होगा कुछ करने के लिए? नहीं, ब्रिज जी ने मुझे कुछ नहीं कहा था, नीति ही मुझसे नफरत करने लगी थी। कई बार तो उसने मुझे थप्पड़ भी मारा था, लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। और कहती थी किस मुंह से, मुझसे ये सब कुछ और झेला नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने अभय से शादी करने के लिए हाँ कह दिया। सर वो गांव से ऑफिसर का फोन। हाँ जी, मुझे वो दुल्हन वाले मर्डर केस की डिटेल चाहिए थी। हाँ सर, एक फोन मिला था उसके पास से, लेकिन वो बहुत ही डैमेज था और लॉक भी था। बहुत टाइम लग गया उसको ठीक करने में और अनलॉक करने में। अब करीब 1 साल के बाद अनलॉक हुआ तो पता चला कि वो यहीं गांव के पास ही रहती थी। दुल्हन की फैमिली का कहना था कि उस लड़की का किसी के साथ चक्कर चल रहा था, लेकिन किसके साथ वो हमें पता नहीं। थैंक यू वेरी मच, और कोई डिटेल्स मिले तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ओके सर। मेरा पूरा परिवार बिखर गया। सर प्लीज बता दीजिए कौन है मेरी दीदी का कातिल? पापा देखिए, हमने पता लगाया आपके पिताजी वाकई में फूल लेने गए थे, तो फिर और कौन रह जाता है?
नीति का बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? नहीं सर, ये हो ही नहीं सकता। दीदी का फोकस सिर्फ बिजनेस पे ही था और दीदी तो ये शादी से भी बहुत खुश थी। तो फिर एक जवान लड़की ऐसे फोटोज किसके लिए क्लिक करेगी? हमने फोन भी चेक किया, हमें कोई नंबर नहीं मिला। शायद वो इंटरनेट कॉलिंग से बात किया करती थी। और इस केस में ये पॉसिबल है कि घर से चोरी नीति ने या फिर नीति और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर की थी। पैसे दीदी ने नहीं चुराए थे, मैंने चुराए थे। मुझे अपना ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए पैसे चाहिए थे और पापा को मुझ पे भरोसा ही नहीं था। और दीदी मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। सर, माधुरी के बॉयफ्रेंड का पता चल गया है। अच्छा, लेकिन वो भी मर चुका है। गांव के करीब 70 किलोमीटर दूर उसकी बॉडी मिली थी। उसका खून भी करीब उसी टाइम पे हुआ है जब माधुरी का खून हुआ था। खूनी ने दोनों को किसी तेज धार हथियार से चीर फाड़ दिया है। कमाल है, तीन खून और वो भी एक ही तरीके से। कोई सरफिरा खूनी घूम रहा शहर में। अरे हमें कहां से मिलना है? मैं तुम्हें फोन करता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए साहब, ये आपकी लापरवाही का नतीजा। शेर ने तो इसे लगभग मार ही डाला। तो आप इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए? पहले हॉस्पिटल लेकर जाइए। नहीं, जब तक आप शेर को नहीं पकड़ेंगे हम यहाँ से नहीं जाने। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बस तुम बताओ क्या हुआ था। साहब, मैं जंगल से काफी दूर था और अचानक से पता नहीं कहा देखिए आप लोग विश्वास रखिए, हम आज के आज ही जंगल विभाग से बात करेंगे, लेकिन आप प्लीज इसे पहले हॉस्पिटल लेकर जाइए। पांडे जी साहब, दो चार लोग गांव के मरेंगे नहीं ना जब तक। दीदी मुझसे बात नहीं कर रही थी तो मैंने क्यों कोशिश नहीं की उनसे बात करने की? दीदी इतनी मुसीबत में थी, उनको मेरे साथ की जरूरत थी और मैं इतनी सेल्फिश हूं कि सिर्फ अपने सपनों के पीछे दौड़ती रही। अगर मैं दीदी के साथ होती तो आज दीदी मेरे साथ थी। सर, डॉक्टर ने बताया कि जीतू को किसी शेर ने नहीं बल्कि जंगली कुत्ते ने काटा था। मुझे पता था, वो घबरा गया इसलिए देख नहीं पाए। सर, जब तक हम नीति और शेखर के कातिल को इनके सामने नहीं लाएंगे ये लोग हमारी बात नहीं मानने वाले। सर, वो रामदीन के बारे में पता करने के लिए बोला था ना सर आप। सर, पता लगा कि वो भी मेरे गांव पाली से है। एक बात और सर, सर वो दुल्हन का जो मर्डर हुआ था उस केस की इन्वेस्टिगेशन से एक बात साफ जाहिर होती है, 6 साल पहले भी सेम तरह से मर्डर हुआ था सर वहाँ पर। किसका? वो भी एक दुल्हन थी क्या? नहीं सर, वो एक आदमी था। इनफैक्ट जिसका मर्डर हुआ था वो खुद एक खूनी था। मतलब 6 साल पहले उस आदमी का खून उसी तरह हुआ था जिस मतलब एक सिरफिरा कातिल 6 साल से घूम रहा है, न जाने उसने कितने कत्ल किए होंगे। सर, सर रामदीन हो सकता है। अच्छा, जो मरे हैं उनकी फैमिली में और कौन कौन है? एक बेटा है सर। उस बेटे को ढूंढो, शायद उस बेटे ने उस खूनी को देखा हो। हेलो पुलिस स्टेशन, गोल्ड कॉइन ज्वेलर्स के यहाँ से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। आपने जो चोरी की हुई ज्वेलरी की फोटोज हमें भेजी थी उसमें से कोई एक मेरे यहाँ पे बेचने के लिए आया हुआ है। कस्टमर को मैंने बातों में लगा रखा है, अंदर बैठी हुई है। आप लोग थोड़ा जल्दी आइए, पैसे भी बची है। वो नेकलेस मेरा नहीं है, वो नंदू भैया का है। नंदू भैया ने एक डब्बे में छुपा के रखा था, मैंने निकाल लिया। मुझे लगा कि मेरा बर्थडे का गिफ्ट है। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत घुमा लिया पुलिस को, अब मुंह खोल और सच बता, कैसे भगाया नीति को, कैसे उठाया, बोल। बताता हूँ सर। सर मैंने नीति को नहीं उठाया सर, वो खुद आई थी मेरे पास। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, बिलीव मी। लेकिन जब उसके पापा ने मेरा और नीति का रिश्ता तोड़ दिया तब मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन खुद नीति ने मुझे फ़ोन किया था, ये कुछ 3-4 महीने पहले, और उसी के बाद हम लोग छुप छुप कर मिलने लगे थे सर। और वो खुद अपने फ़ोटो तुझे भेजती थी?
जी सर, बॉयफ्रेंड था मैं उसका, लेकिन भागने का प्लान नीति ने बनाया था और हम लोग भागकर सीधा मुंबई जाने वाले थे। और बराबर शादी वाले थे। हाँ, मतलब नीति का ऐसा प्लान था कि शादी वाले दिन उसके पास ढेर सारे गहने होंगे तो मुंबई में हम लोग आराम से सेटल हो जाएंगे। सारा नीति का आइडिया था, सब राजी खुशी हुआ। तो फिर टेरेस पर खून कहाँ से है और वो जंगल के बाहर डेड बॉडी? जंगल में डेड बॉडी का तो नहीं पता सर, लेकिन वो टेरेस पे खून वाला प्लान मेरा था। हॉस्पिटल से मैं ब्लड सैंपल्स लेकर आया था और मेरे कहने पर नीति ने खुद वो ब्लड टेरेस पे डाला था सर। एक्चुअली मेरा और नीति का उस दिन जंगल में मिलने का प्लान था। नीति, नीति, अरे कहाँ हो यार तुम? नीति, नीति तो नहीं मिली, लेकिन उधर झाड़ियों में उसका पड़ा हुआ नेकलेस मिला सर। मेरा विश्वास कीजिए सर, उस दिन जंगल में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता सर। उस दिन जंगल के आसपास तू अकेला ही था और कोई नहीं था, तुमने जरूर किसी को देखा होगा। नहीं सर, मैं अकेला नहीं था, मतलब और भी कोई था वहां पर। दूर से उसकी शक्ल देख तो नहीं पाया, लेकिन हाँ, वो लंगड़ा कर चल रहा था, शायद उसके पैर में कोई तकलीफ थी और वो रामदीन की वर्कशॉप की ओर जा रहा था सर। सर, रामदीन के वर्कशॉप में कौन कितने बजे आता जाता है ये सुपरवाइजर हेमंत को जरूर पता हो। अच्छा, वो जिसके पाँव में दिक्कत है सर, वो तो टेम्पररी ड्राइवर था जिसे कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। क्या नाम है उस ड्राइवर का? सर सुखबीर, जिसे उस नीति ने काम से निकाला था। मैंने कुछ नहीं किया सर, वो तो मेरी किस्मत ही खराब जो उस वक्त मैं फैक्ट्री गया था कुछ काम से। ये ब्रेसलेट तुम्हारा है? हाँ सर। नया लिया? हाँ सर। पुराना कहाँ है? पुराना मैं दिखाता हूँ। ये तुम्हारा ही है ना? हाँ साहब, मेरा ही है। वो पुराना ढीला हो गया था ना, तो गिर गया होगा शायद। अच्छा, और वो भी वहीं पर गिरा जहाँ पर नीति की लाश मिली थी? भगवान की कसम साहब, उस वक्त कोई बॉडी वॉडी नहीं थी वहाँ पे। हम गरीब छोटे लोग हैं ना साहब, इसलिए सब हमें ही परेशान करते। वहाँ बड़े लोग क्या नहीं करते, कोई कुछ नहीं बोलता उनको। वो रामदीन सिंह। हाँ, गया वो, आ जाओ। वो औरत, उसको देखा मैंने उसके साथ, वो शेर शेर करते फिरती है ना शहर में, वही औरत। सरिता? हाँ हाँ, वही सरिता। मतलब सरिता और रामदीन? मतलब पेड़ों की कटाई नहीं, आप दोनों के बीच जो रिश्ता है वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। नीति और शेखर ने आपको सरिता जी के साथ देख लिया था उससे, इसलिए आपने उन दोनों को। सर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, दूसरे शहर जाकर उस दुल्हन को और उसके बॉयफ्रेंड को क्यों मारा आपने? अरे साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? सर, हमने किसी को भी नहीं मारा है साहब। जब तक सब कुछ सच सच नहीं बता देते तब तक यहाँ से बाहर जाने नहीं दूंगा मैं। हाँ गुप्ता, बोलो। सर, उस बच्चे का पता किया है हमने यहाँ से। सर, उसके हिसाब से वो बच्चा करीबन एक साल पहले इसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा था, लेकिन अभी वो यहाँ काम नहीं कर रहा है। लेकिन सर, एक बात और पता चली है। वो दुल्हन माधुरी जिसका मर्डर हुआ था, वो यहीं आसपास किसी स्कूल में काम करती थी। और सर, उस बच्चे का घर भी इस स्कूल के आसपास ही है। तो क्या इस माधुरी का उस बच्चे के साथ कोई कनेक्शन या फिर उसके बाप के साथ कोई कनेक्शन? सर, इतना तो नहीं पता, पर यहाँ पे एक गार्ड है, उसने बताया कि वो उस बच्चे को जानता था जब वो बच्चा यहाँ काम किया करता था। गुप्ता, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ डिस्ट्रिक्ट से एक स्केच आर्टिस्ट भिजवा रहा हूँ, उसका स्केच निकलवाओ। राइट सर। अरे साहब, हमें क्यों बंद करके रखा? हमने कुछ नहीं किया साहब, हम कह रहे हैं ना साहब। एक बात बताओ, तुम्हारे वर्कशॉप में जो जो काम करते हैं या करते थे, उनमें से तुम्हारे गांव पाली से कौन था? यही है वो? हाँ सर, यही है वो।
अब ये लोगो इस गांव में कई जगह देखने को मिलेगा। एक बाबा यहाँ का, उसी का ही लोगो है। चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको उस बाबा के घर। तुझे रामदीन ने इसीलिए काम पे रखा था ना, क्योंकि तू उसके गांव से? हाँ रखा था तो साहब। और तुझे नौकरी सिर्फ इसीलिए करनी थी ना कि एक अच्छी सी लड़की से शादी करनी थी? साहब शादी करके घर तो बसाने है ना हमें भी। वाह ये कमाल है, लोग शादी करने के लिए मैरिज ब्यूरो में नाम लिखवाते हैं, पेपर में ऐड देते हैं, और तू मर्डर करता है। क्या साहब ये क्या बोल रहे हो आप? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तेरा वो जंगल वाला बाबा बोल रहा है। थोड़ी जेल की हवा लगी, दो डंडे पड़े तो मुंह खुल गया उसका। साहब मैं शादी करके ना सिर्फ घर बसाने वाला था, वो माधुरी थी ना उससे बहुत प्यार करता था मैं, लेकिन उसने क्या किया, घर से भागने के लिए मेरा ही इस्तेमाल किया। किसके लिए? उस फालतू लड़के के लिए। मार दिया उसे। उसके बाद उसके यार को भी। हाँ मैं घर से जल्दी निकलकर जंगल में तुम्हारा वेट करूंगी। हाँ तुम लेकिन लेट मत होना। हाँ सारे गहने लेकर आ रही हूँ, पहने हैं मैंने, तुम जल्दी आना बस। नीति ने क्या किया था, उसको क्यों मारा? बाबा ने कहा बलि दो सफलता मिलेगी। फिर बाबा ने मुझे बताया कुछ पाने के लिए बलिदान देना पड़ता है, बलि देनी पड़ती है। एक जानवर एक लड़की को मारकर तुझे सफलता मिली, और शेखर उसकी बलि क्यों दी? आओ, आरा। वो शेखर अगर उस दिन बीच में ना आया होता ना तो हमारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। बे कौन है विधु, और ये यहां क्या कर रहा है? मार दिया उसको भी। और तेरे माँ बाप, उनको क्यों मारा? मेरी माँ को मेरे बाप ने मारा। वो जो कुछ भी बोलते थे मेरी माँ के बारे में, उनके आशिक के बारे में, सब कुछ झूठ था, सब गलत था। और ये दुनिया वाले उनकी झूठ को सच मानते थे। मगर मैं समझ गया था उस आदमी को, इसलिए मैंने उसको कुल्हाड़ी से मार दिया था। अब चिंता करने की कोई बात नहीं, बाबा ने मेरा शुद्धिकरण करवा दिया है, अब मैं शादी कर सकता हूँ, अपना घर बसा सकता हूँ। तेरा शुद्धिकरण तो बेटा अब हम करेंगे, और तेरा घर है ना ये जेल में बसाएंगे। किसी चीज की बेहिसाब चाहत इंसान को गुनाह के रास्ते पर ले जा सकती है। चाहत पागल पर ना बने इसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें कब खुद को रोकना है। जीतू जैसे भोले और महत्वाकांक्षी इंसान की तलाश ऐसे ढोंगी बाबा को हमेशा होती है, वो उनके आसान टारगेट होते हैं। बाबा ने अपने लालच के लिए एक मासूम से बच्चे को एक बेरहम कातिल बना दिया, शादी करने के लिए उसके पागलपन का इस्तेमाल किया। वैसे कहते हैं ना, बच्चे कच्चे घड़े की तरह होते हैं जिन्हें माँ बाप अपनी परवरिश से सही ढांचे में डालते हैं। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।